हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये तीन मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेबल होते हैं हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, और इंडिया विक्स 20.17 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अगर आप देखें तो कितना पॉइंट नीचे, 1.161% नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.33 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 12,469 पे काम कर रहा है, 205 पॉइंट्स अप। एंड बैंक निफ्टी 27,534 पे काम कर रहा है, 735 पॉइंट्स अप। बढ़िया है, अच्छी क्लोजिंग पॉइंट वाइज देखने को मिल रही है, लेवल्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप साथ में देखें, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों प्रीमियम पे काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स के अंदर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है, आज के दिन में लो भी बनाया हुआ है, और ये लो कितने पॉइंट्स का बना है वो भी बता देते हैं आपको। सो लो बना है 17.58 का। जैसे जैसे ये 15 के करीब जाएगा, वैसे वैसे रैली देखने को मिलेगी, और रैली देखने को मिल भी रही है। सो पॉइंट वाइज बढ़िया काम किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, क्लोजिंग भी अच्छी जगह पे दी हुई है, लेकिन चार्ट पे कौन सा पैटर्न बना है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एनी हाउ, अगर आप फिलहाल डाउ जोन्स फ्यूचर देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि डाउ जोन्स फ्यूचर 1500 प्लस पॉइंट पे काम कर रहा है, और उसके पीछे द बेसिक रीजन, एक तो पहले हमने रैली देख ली यूएस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की वजह से, अब आज के दिन में कोरोना वायरस को लेके पॉजिटिव न्यूज आया है, और उसके चलते हुए 1500 प्लस पॉइंट पे काम करते हुए नजर आ रहा है डाउ फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन कल के दिन में क्या रखना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो फ्रेंड्स, ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो लेट मी टेक इट डाउन फर्स्ट। ओके, सो ट्रेड के बारे में बात करें तो आज के दिन में हमने दो ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था, एंड डेफिनेटली जिस तरह से मैंने मॉर्निंग के अंदर में भी मैसेज डाला था कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, शॉर्ट बनाने की फिलहाल के टाइम पे जरूरत नहीं है। तो 11,450 कॉल मैंने बाय किया था लगभग 79 के आसपास में, 90 पे उसे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, कुछ 13.92% का प्रॉफिट वहाँ पे हुआ। बैंक निफ्टी 27,300 का कॉल बाय किया था 385 में, एंड इट वेंट अप टिल 415, तो स्टॉप लॉस हमने 379 रख दिया था। थोड़ा सा उसके अंदर में हमें हलचल देखने को मिला, इट वेंट डाउन टिल 340 ऑल्सो, लेकिन मैंने जो स्क्वायर ऑफ किया, मैंने 405 पे स्क्वायर ऑफ किया, दो मैंने उसके अंदर में प्रॉफिट बुक किया हुआ है, लेकिन 379 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऐसा जो मैंने प्लैटिनम ग्रुप को बताया था, इसके लिए यहाँ पे हमने माइनस में रखा हुआ है इसे। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर आपको व्हाट्सएप पे ये ट्रेड नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको इसके लिए हेल्प कर देगी। चलिए देख लेते हैं
आने वाले वीक के अंदर में, यानी अब ये जो 3 दिन बचा है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 3 दिन मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, क्या लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए और किस तरह से काम करते हुए नजर आएगा हमारा इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का व्यू आपको 9:30 तक मिल जाएगा। चलिए निफ्टी के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जिस तरह की रैली देखने को मिली एंड गैप अप, ऐसा पास्ट में भी हमें देखने को मिल चुका है, गैप अप ओपनिंग देन कंटिन्यूस बाय देखने को मिल रहा है। आज के दिन में भी गैप अप ओपनिंग हुई, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उस लो को हमने तोड़ा, यानी डे का जो ओपनिंग पॉइंट था उसे हमने तोड़ा, वहां पे वेट किया एंड देन आफ्टर दैट हम हायर पॉइंट पे जाके हमने क्लोजिंग दी हुई है। बढ़िया रैली मानी जानी चाहिए और ये आपको बढ़िया पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है कहां चार्ट के ऊपर में। सो एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन अब फिलहाल जिस तरह से डाउ फ्यूचर काम कर रहा है, आंख बंद करके बोला जा सकता है कि कल हम 12,600 के ऊपर ही ओपनिंग करेंगे, 12,625 के आसपास में हम ओपनिंग कर सकते हैं या 12,700 के आसपास में ओपनिंग कर सकते हैं जिस तरह से डाउ फ्यूचर काम कर रहा है। और क्या फिर उसके बाद में रैली कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, उन ये बड़ा सवाल बनेगा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो फ्रेंड्स 15 डे अगर 15 मिनट्स का कैंडल देखें तो 15 मिनट्स के कैंडल के अंदर में पॉजिटिव ही सब नजर आ रहा है। अगर लेबल्स देखें तो लेबल्स भी रिस्पेक्ट हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट है डेली कैंडल समझना। तो डेली कैंडल के अंदर में जितने भी जो लेवल हाई था आज के दिन में, हमने लाइफ टाइम हाई अचीव किया हुआ है और ऐसा लग रहा है कल 12,700 के आसपास में ओपनिंग होगी। सो ये कल बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा हमें, वो लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12,700 के ऊपर की ओपनिंग करते हैं, 12,600 के ऊपर की ओपनिंग करते हैं तो एक बार तो बाय बनता है। पहले क्यों बाय बनता है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, कोरोना वायरस को लेके जिस तरह से मैसेज आया हुआ है, जिस तरह से न्यूज़ आया हुआ है, डेफिनेटली जिस पॉइंट पे आप ओपन होंगे वहाँ से एक बार रैली एक्सपेक्टेड है। सिर्फ एक टेंशन है, पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे है और एट द सेम टाइम FII भी अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ा चुके हैं काफ़ी, तो ऐसा ना हो जाए कि FII प्रॉफिट बुकिंग करने चले आए, और अगर प्रॉफिट बुकिंग करने चले आए तो प्रॉब्लम होगा। इसे छोड़ के अगर आप सेंटीमेंट देखेंगे तो भी पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है एंड ऑप्शन चेन भी देखते हैं, ऑप्शन चेन जो मैंने अभी तक देखा हुआ है उसके अंदर में भी शिफ्ट इन रेंज देखने को मिल रहा है। सो लेबल्स कल के दिन में क्या दिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता, हम लाइफ टाइम हाई पे हैं, तो आपको गेस करके तो कोई हम लेवल देंगे नहीं, जिस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन काम करता है उस हिसाब से बात करेंगे। तो फिलहाल के टाइम पे ट्रेंड लाइन कहीं भी ऊपर उतना ऊपर नहीं दिखा रहा है, एट द सेम टाइम कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल भी उस साइड में नहीं दिख रहा है। सो सिंपल सा चीज है, जहां पे ओपन होगा वहां पे अगर वेट करना है तो 15 मिनट का वेट कर लीजिए, नहीं तो स्टार्टिंग में कूदना है तो उसमें भी जंप किया जा सकता है और 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए उसके अंदर में, निफ्टी के अंदर में। कल के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कि कल के दिन में हमें 12,750 का लेवल एक बार देखने को जरूर मिलेगा अगर डाउ फ्यूचर इसी तरह से काम किया, इसी तरह से क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा। तो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते, क्योंकि अगर चार्ट के ऊपर में लेबल्स नहीं दिख रहे हैं तो ऑप्शन चेन में लेबल्स देखने को मिलने चाहिए हमें, और सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो ऑप्शन चेन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे रहेगी। 13,000 के आसपास का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 13,000 लेबल के ऊपर में, 32,841। फ्राइडे का जो हमने देखा था, फ्राइडे के दिन में 12,700 के नीचे आपको राइटिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के दिन में कंप्लीट बाय देखने को मिल रहा है, कंप्लीट लॉन्ग बनते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यस एक्सपेक्ट करिए 13,000 लेवल, एक्सपेक्ट किया जा सकता है 13,000 लेवल इस वीक के अंदर में, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है। तो 12,750 के आसपास जा रहे हैं, 12,800 भी जा सकते हैं, रेजिस्टेंस 12,800 पे है और जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से लेवल्स दिख रहे हैं, कल बहुत सारा जो ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है ये सब रिस्क में आने वाले हैं, आपको शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिलेगा और उसके चलते हुए हम 12,800 के ऊपर आसपास में काम कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। खाली नज़र रखिए किसी तरह का ऐसा ट्रेंड बनता हुआ जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए तो वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। पुट साइड राइटिंग दबा के की जा रही है, आपको देखिए राइटिंग कैसी हो रही है, 12,000 में राइटिंग देखने को मिल रही है, यस 12,000 पे राइटिंग है और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहीं देखने को मिल रहा है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 12,300 पे देखने को मिल रहा है, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, 12,100। तो सेफ राइटिंग करके बैठे हुए हैं,
ये मैं जस्ट चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले फ्राइडे को 12,000 कॉल 42 रुपीज़ में पुट 42 रुपीज़ में मिल रहा था, आज के दिन में 8.85 रुपीज़। मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? मतलब ये हुआ कि लगभग 34 रुपीज़ का इसके अंदर में गिरावट देखने को मिला। तो राइटर्स आर हैप्पी, 34 रुपीज़ उन्हें कमाने को मिला। ये देखिए 34 रुपीज़ की गिरावट मिली, उन्हें कमाने को पैसा मिला, दैट्स ओके। देन इन दैट केस 12,100 पे 50 रुपीज़ का गिरावट देखने को मिला हुआ है एंड 12,300 पे 105 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। तो राइटर्स राइटिंग कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं पुट में और कॉल्स के अंदर में लॉन्ग किया जा रहा है पोजीशन। ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का है और जिस तरह से अब मार्केट बिहेव कर रहा है, एक बड़ा रेंज लेके जाना चाहिए जो कि 12,000 से 13,000 के बीच का होगा। बड़ा रेंज है ये, छोटा रेंज नहीं, बड़ा रेंज है 12,000 से 13,000 के बीच का और इसे लेके जाना चाहिए। इसके ऊपर में काम करते हुए हम नजर आएंगे 12,000 13,000 ऊपर की तरफ। एक बार पॉसिबिलिटी लग रही है 13,000 दिवाली के पहले, एक बार पॉसिबिलिटी लग रही है कि हम 12,900 से 13,000 जाते हुए नजर आए निफ्टी के अंदर में। एक बार डाउ जोन्स देखना है तो डाउ जोन्स देख लीजिए, 1,562 पॉइंट्स का डाउ जोन फ्यूचर, 1,562 पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये बात हो गई हमारे निफ्टी के बारे में। जैसा मैंने पहले मेंशन किया, बैंक निफ्टी का व्यू आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा, थोड़ी देर में अपडेट किया दिया जाएगा। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, और अगर इंजॉय कर रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप ट्रेड्स को इंजॉय कर रहे होंगे, उसका बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो और इस वीक में आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय, गुड नाइट।